नमस्कार, मैं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। चाय की प्राइस कैसे पता करें, चाय की वैल्यूएशन क्या है, कैसे पता लगे कि ये जो चाय आप देख रहे हैं, जो कोई भी चाय देख रहे हैं, उसकी असल प्राइस क्या है, कितने में खरीदी गई है, या फैक्ट्री वाले या ऑक्शन से कितने में बिकी है वो चाय, ये एग्जैक्टली पता कैसे करें। ऐसा तो नहीं है कि 100 में ख़रीदा और आपको 150 बता दिया। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है चाय की प्राइस को पता करना, चाय की वैल्यूएशन को पता करना, और चाय की मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका लॉट नंबर, इनवाइस नंबर, इन सब का भी पता लगाना। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, और मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो आने वाली है इसी टॉपिक पे। तो मेंबर्स से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को मिस ना करें। और ख़ास तौर पे एक भाई साहब का कमेंट था कि चाय की वैल्यूएशन के ऊपर एक वीडियो बनाइए, जिससे कि हम चाय के एग्जैक्ट प्राइस को पता कर सकें। तो देर न करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं, और उन भाई साहब के लिए मेरा बहुत बहुत शुभकामना और शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा टॉपिक पूछा और मुझे अच्छा लगा, और मैं सोचा कि भाई इस पर वीडियो एक बनाना चाहिए, और शायद मैं मिस भी कर गया था इस टॉपिक पे। तो बात यहाँ पे हो रही है एक वैल्यूएशन का, कि वैल्यूएशन क्या है, या उसकी जो रेट की बात करें, भाई जो चाहे आपको एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी बता दिया है भाई इस रेट में है, तो क्या वाकई उस रेट में है, या रेट बोलिए या उसकी प्राइस की बात बोलिए कि प्राइस कितने की है, रेट बोलिए या उसका एक बल्क रेट बोल सकते हैं, या प्राइस बोल सकते हैं, या सेल रेट बोल सकते हैं, सेल रेट क्या थी, या एक्स फैक्ट्री रेट क्या है, या इसको टी ऑक्शन सोल्ड रेट क्या है। कई तरीके से, कई भाषाओं में लोग बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक तो आपने वैल्यूएशन किया और वो चाय कितने में बिकी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको मैं एक एक करके बताऊंगा कि किस ढंग से आप इसको पता कर सकते हैं, कैसे आप इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ अफेक्टिंग फैक्टर है, उस अफेक्टिंग फैक्टर पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले चाय की वैल्यूएशन निकाली जाती है, जो भी ऑक्शनर होते हैं या फैक्ट्री वाले होते हैं, वो करंट मार्केट ट्रेंड को, जो वर्तमान में मार्केट की जो परिस्थिति है, उसको देखते हुए एक अपने आप एक स्थिरता आ जाती है उस प्राइस में, कि भाई आज के डेट में उतार है कि चढ़ाव है, उसी हिसाब से उसकी एक जो बिक्री की दर है उसमें एक स्थिरता आ जाती है। लेकिन वैल्यूएशन एक अलग चीज़ है। वैल्यूएशन का मतलब ये है कि जो क्वालिटी आप एक स्टैंडर्ड चाय की जो क्वालिटी होनी चाहिए, या एक मीडियम क्वालिटी की जो चाय जो होती है, या एक लो क्वालिटी की, भाई उसका लिकर इन्फ्यूजन अपीयरेंस, तीन चीज़ें इसमें है। यहाँ भी एक वही बात है कि भाई चाय का लिकर करेक्टर कैसा था, उसका अपीयरेंस कैसा था, देखने में कैसा था, इसका इन्फ्यूजन कैसा था, और ओवरऑल ये चाय कैसी थी। तो इसके क्वालिटी को देखते हुए एक वैल्यूएशन की जाती है, भाई चाय इतने की है। तो कभी कभी आपने एक वैल्यूएशन निकाल दिया कि भाई ये चाय 200 रुपये की, 200 वर्थ की है, इसकी दाम जो है 200 होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, मार्केट में अगर डिमांड नहीं है तो क्या होगा, 200 के नीचे बिक जाएगी। जब डिमांड अच्छी होती है तो 200 के ऊपर ही बिक जाती है। तो भाई पता है कि भाई, अब देखिए बहुत सारी ऐसे स्थिति परिस्थिति होती है, आप सिनेमा देखने जाते हो, टिकट अवेलेबल नहीं है, ब्लैक में बिकती है, ज़्यादा रेट देते हो, डिमांड है, नई पिक्चर है। उसी ढंग से
कई ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जहाँ पे उस सामान का उपलब्धता ना होने कारण उसकी दाम बढ़ जाती है। तो वैसे चाय में भी होती है, किसी भी कारण से अगर डिमांड तेज़ आ गई तो वैल्यूएशन अगर 150 का है, वैल्यूएशन अगर 150 का है तो भाई इससे ऊपर 160, 70, 80 एक बिक जाती है, 10-20 रुपये ऊँचाई बिक जाती है। लेकिन मैक्सिमम केस में वैल्यूएटर अगर 150 रेट दे रखा है तो 120 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, थोड़ी सी कम में बिक जाती है। तो वैल्यूएशन एक अलग बात है, वैल्यूएशन इस क्वालिटी का मापदंड करने के बाद से, परखने के बाद से एक सेट की जाती है कि वैल्यूएशन ये है। मार्केट चाहे जो भी कंडीशन की हो, जैसे भी हो, मेन देखा जाता है, असल बात ये होती है भाई ये इतनी की चाय है, इसकी क्वालिटी ऐसी है। ठीक है, अब यहाँ भी थोड़ी सी मार्केट की इन्फ्लुएंस होती है, इनकी कॉस्ट देखते हैं भाई पर केजी क्या कॉस्ट आ रही है, इसकी क्वालिटी कैसी है, हर एक साल इसकी इंक्रीमेंट भी हल्की फुल्की आ सकती है। तो इस हिसाब से वैल्यूएशन ऐसा नहीं कि आज से 10-20 साल पहले इस क्वालिटी का वैल्यूएशन जो था आज भी वही है, उसमें भी धीरे धीरे बढ़ोतरी आई हुई है, बढ़ी हुई है। ठीक है, तो अपना टॉपिक था कि चाय की रेट कैसे पता करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ों को बताऊंगा मैं, उसको आप ध्यान से समझिएगा, और जो हमारे मेंबर्स भाई लोग हैं उनके लिए पूरा डाटा मैं रखने वाला हूँ, उस डाटा को आप लोग देखिएगा, उसमें कुछ शेयर करूँगा, डाटा आप लोग के लिए भी होगा। तो अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि एक तो पहला बात हो गया कि चाय की वैल्यूएशन पता होता है, करते हैं, और ये जो है ये ऑक्शनर करते हैं, फैक्ट्री वाले अपने लेवल पे करते हैं, और आपको भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। देखी दिखाए बातों में इतना बिका उतना बिका, गोली मारो उसको। आपको करना क्या है कि भाई आप जो चाय लेते हैं उसका एक पैरामीटर सेट है, भाई देखने में चाय देखने में इस लेवल का होना चाहिए, उस चाय का जो लीकर करेक्टर है, चाय बनने के बाद से जो उसके अंदर खुशबू आ रही है, जो कलर आ रही है, जो स्वाद आ रही है, तो उसकी करेक्टर मिनिमम इस लेवल का है या होना चाहिए, उसकी इन्फ्यूज़न का लेवल इतना होना चाहिए। उसको देखते हुए आप जज करिए कि ये चाय आप कितने में ले सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना एक वैल्यूएशन निकालिए अपने मार्केट के हिसाब से, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्या होगा, आप एक समझ जाएंगे कि भाई ये इतनी की चाय है। तो हो सकता है सेम करेक्टर की चाय, सेम लेवल की चाय, किसी का ब्रांड नेम तेज़ है, आगे है, नामी है, उसका रेट अच्छा मिल जाता है, और किसी का जो ब्रांड नेम कमज़ोर है या उसकी क्वालिटी में ऊपर नीचे होता है तो वो चाय सस्ती मिल जाती है। तो वैल्यूएशन कभी कभी क्या होता है, एक ब्रांड नेम से भी इन्फ्लुएंस होता है, एक ब्रांड नेम से भी प्रभावित होता है। तो बात समझिएगा, वही चाय अगर गुडरिक बना दे, गुडरिक बहुत बड़ी कंपनी है चाय के क्षेत्र में, तो वो बना दे, और सेम करेक्टर की सेम लेवल की चाय एक छोटा सा चलता फिरता कोई कंपनी अगर बना दे तो क्या होगा, गुडरिक का 20-25 रुपया ऊंचा ही मिलेगा, जबकि जो एक नॉर्मल कंपनी है उसको नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि गुडरिक अपनी क्वालिटी को एक कंसिस्टेंट लेवल पर रखता है, एक मेंटेन करके चलता है, जबकि कुछ ऐसी कंपनियां हैं ऊपर नीचे, आज चाय जो है 150 में बेचे, 200 पे चला गया, फिर घट गया, फिर ऐसे, जबकि गुडरी का ग्राफ ऐसे चलेगा। तो इनका एक ट्रस्ट है, ये गुडरी जो कंपनी है इस पर एक ट्रस्ट है, बड़ी कंपनियों में ट्रस्ट है, इसकी क्वालिटी में फ्लैक्चुएशन उतार चढ़ाव कम होगी, जो गड़बड़ कंपनियां हैं वहाँ पर उतार चढ़ाव ज़्यादा होगा, किसी भी कारण से मशीन खराब हो गया क्वालिटी खराब, पत्ती ज़्यादा आ गई क्वालिटी खराब, वर्कर स्ट्राइक क्वालिटी खराब, पावर फेलियर क्वालिटी खराब, आ इनका सारा कुछ बैकअप है, सारा उनके पास वो साधन है, सुविधाएं हैं। ठीक है, मैनेजर छुट्टी में गया क्वालिटी खराब, मालिक बगान 10 दिन नहीं आया क्वालिटी खराब, मालिक जिस दिन आया क्वालिटी बढ़िया, तो बहुत सारी बातें हैं, इनमें वो बात नहीं होती है। तो इनको भी समझना पड़ेगा, जब अच्छी क्वालिटी होती है तो ऐसा नहीं कि गुडरिक से ज़्यादा रेट मिल जाएगी, गुडरिक की क्वालिटी कम भी है, इनकी बहुत अच्छी है, तो गुडरिक से कम ही रेट मिलेगी। तो ये इससे क्या समझ में आया कि वैल्यूएशन जो है ब्रांड से भी प्रभावित होती है,
कि जैसा ब्रांड होगा उस हिसाब से उसकी वैल्यूएशन की जाएगी, उसकी वैल्यू आंकी जाएगी। ठीक है, तो आप अपने वैल्यू को जब आंकते हैं तो वहाँ यह ध्यान रखिए कि आपका मिनिमम जो क्राइटेरिया है, मापदंड है, उस मापदंड पे खरा उतरे। तो आप समझ जाइए भाई, हमने पिछली बार इस लेवल की चाय ली थी, अभी इस लेवल में है, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आप अपना एक वैल्यूएशन खुद को तैयार करिए, समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि इसकी प्राइस की। भाई एक ऑक्शन में, टी ऑक्शन में क्या करता है कि एक 100 रुपये की वैल्यूएशन एक दी गई, एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100 रुपये की एक वैल्यूएशन की गई, लेकिन वो चाय जो है 8-10 बिड आई, बहुत लोगों ने अपनी अपनी बोली लगाई और ये चाय जो है मान लीजिए कि 80 में बिक गई, बिकती नहीं है, बिक गई मान लीजिए। ठीक है, या दूसरा एग्जांपल 200 की वैल्यूएशन थी और ये चाय जो है 180 में बिकी। ठीक है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये क्या है, ये वैल्यूएशन थी लेकिन ये सोल्ड प्राइस है। ये क्या है, वैल्यूएशन, कि इसकी वैल्यूएशन थी इतना रुपया और ये सोल्ड प्राइस है, सोल्ड हुआ इतना में और ये वैल्यूएशन इतने में थी। तो ये सोल्ड प्राइस की लिस्ट मिल जाती है ऑक्शन से, आफ्टर सेल इसका डिटेल्स आ जाते हैं, इसके पूरे ऑक्शन प्राइजेज आ जाते हैं और वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यूएशन थी और कितने में बिकी, लास्ट सेल प्राइस क्या थी। ठीक है, तो ये जो है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो है सारे बागानों में फिक्स रहे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे वैल्यूएशन क्या है और इसकी सोल्ड प्राइस क्या होती है, बिकने के बाद से जो फाइनल प्राइस होती है, और वो प्राइस किसको मिलती है, जिसकी चाय होती है, जिसकी चाय बिकती है उसको मिलती है। ऐसा नहीं कि आपको उस रेट में मतलब चाय मिल गया, अगर आप डायरेक्ट आपके लाइसेंस से आप खुद परचेस करते हैं तब अलग बात है, लेकिन वहाँ भी खर्चे हैं, इस पर GST अप्लीकेबल होगा, कोई वेयरहाउस में ज़्यादा दिन चाय रह गया तो उसके चार्जेस लगेंगे, कुछ लोकल ट्रांसपोर्टेशन हो सकते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस हो सकते हैं, बहुत तरह के चार्ज, लॉट वाइज तो लेना ही पड़ेगा एक लॉट में। अब दूसरी बात है कि आप जो बात करते हैं कि प्राइस कैसे पता करें, प्राइस या रेट कैसे पता करें। देखिए, प्राइस और रेट पता करना कोई बड़ी बात नहीं है, एक तो आप अपना वैल्यूएशन देखिए, ऐसा नहीं है कि ये प्राइस फिक्स रहेगी। प्राइस और रेट कैसे पता करें ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है आपके लिए, क्योंकि इसकी प्राइस और रेट का मैं एक दो एग्जांपल देने वाला हूँ, आप समझिएगा। सपोज़ करिए कि ABC कंपनी का एक चाय बन रही है, उसका C101 इनवाइस है, BP है, इसकी वैल्यूएशन थी 180 रुपये। C102 एक इनवाइस है, इसका भी एक BP है, इसकी वैल्यूएशन भी 180 थी। एक C105 पकड़ लीजिए, उसका भी BP है, भाई कई लॉट आते हैं। ठीक है, अब वैल्यूएशन जो भी ऑक्शनर था, ये वैल्यूएशन जो दिया, ये तीनों लॉट का सेम वैल्यूएशन कर दिया कि भैया ये चाय इतनी की है, इतनी वैल्यू की है। ठीक है, कभी कभी यहाँ भी गेम हो जाता है, कई तरह का बातें हैं, अंदर की बातें हैं, कैसे क्या गेम होता है इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से आना पड़ेगा। एनीवे, तो अब यहाँ पे ये वैल्यूएशन दिया किसी ने भी दिया, चाहे वो जेऑक्स थॉमस हो, पार्कर हो, कंटेम्प्रोरी हो, कोई भी ब्रोकर, इसने अपनी वैल्यूएशन दी और ये जो है चाय बिकी 170 में बिक गई, किसी कारण से 160 गई, भाई ये जो है 175 बिक गई। अब बात समझिएगा, यहाँ पे तीनों चाय की एक ही वैल्यूएशन थी लेकिन सोल्ड प्राइस क्या हुआ, अलग अलग हुआ। तो आप ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो एक ग्रेड था BP, ये अलग अलग प्राइस में बिकी, आप इस बात को समझ नहीं सकते कि क्यों बिकी, कैसे बिकी, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
अब आप समझेंगे भाई फलना कंपनी का बीपी दे दिए, अरे बीपी उसमें भी क्वालिटी है। हो सकता है कि इन तीनों में हल्की फुल्की फर्क हो, लेकिन वैल्यूएशन तो सबका एक ही दिया गया है, कभी कभी इससे ऊंचा भी बिक जाती है। हो सकता है इस लॉट के पीछे जो है 4-5 बायर लगे हुए थे, यहाँ पे 10 बायर लग गए, या यहाँ बायर इन लगे, 2-3 लगे, तो कंपटीशन यहाँ कम थी, 160 में बिक गई। यहाँ पे थोड़े सी हिसाब से बायर लगे हुए थे, 6-7 लगे होंगे, तो अपनी अपनी रेट दे देते, 170 में बिक गई। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहा होगा, यहाँ ज़्यादा बायर थे, हम लेंगे तो हम लेंगे, यहाँ कंपटीशन में रेट ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे एक मार्केट की डिमांड सप्लाई दिख रही है, एक कंपटीशन दिख रही है, हम लेंगे तो हम लेंगे, और कुछ जो है एक बायर कितने एक्टिव हैं, कितने स्लिपिंग है या इनएक्टिव है, उस पर भी डिपेंड करता है, और उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि सारे लॉट जो है एक जैसे हों, थोड़ी सी 19-20 होने से भी ये वैल्यूएशन कर देते हैं ऑप्शन। इनके कई कारण है, ये कारण पे भी नहीं जाऊँगा क्यों वैल्यूएशन को घटाते हैं बढ़ाते हैं, क्या रीज़न है, तो ये है। तो एक जो है डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई क्या है, उसकी क्वालिटी में फ्लैक्चुएशन क्या हो रही है, ऐसा नहीं कि तीनों लॉट बराबर है या फ्लैक्चुएशन हो रही है, तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जो अफेक्ट करते हैं उसकी सोल्ड प्राइस को या उसके वैल्यूएशन को। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि कभी भी फाइनल प्राइस जो है एक ही कंपनी का, एक ही ग्रेड का समान नहीं हो सकता, फर्क होता है। तो सबसे बेटर है आप अपनी चाय की खुद वैल्यूएशन निकालिए, खुद समझिए वैल्यूएशन कैसे निकालनी है, किस ढंग से क्वालिटी समझनी है। इसके लिए भाई या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, और कुछ भी इसमें हेल्प चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप बात कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा। और एक रेगुलर बेस में आपको मार्केट ट्रेंड को भी समझना पड़ेगा। तो एक मार्केट ट्रेंड को समझिए कि मार्केट में कब उतार चढ़ाव हो रही है, क्या डिमांड सप्लाई है, और कैसे इसकी प्रोडक्शन हो रही है, किस ढंग से इसकी सेल हो रही है। तो प्राइस और रेट डिटरमाइन होता है, एक सीजनल इफेक्ट भी है, ठीक है, एक सीजनल इफेक्ट भी है। अब सीजनल इफेक्ट क्या है भैया, फर्स्ट फ्लश में आप चाय लेने जाएंगे तो क्वांटिटी कम होती है, तो क्वांटिटी कम होने में क्या होगा, उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगी। हाँ, बेशक क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन किसी मामले में क्वालिटी अच्छी होती है तो किसी मामले में लोग पसंद नहीं करते हैं। तो फर्स्ट फ्लश की चाय की क्वांटिटी कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगी। सेकेंड फ्लश या रेडी फ्लश की चाय से डबल डबल दाम में बिक जाती है, ठीक है। सेकेंड फ्लश में चाय एक स्टडी होगी, एक थोड़ी सी अच्छी एक रेट में बिकेगी, बट बहुत ज़्यादा फर्स्ट फ्लश के जैसा ऊंचा नहीं होगा, एक ठीक ठाक रेट रहेगा। जैसे जैसे पीक सीजन आएगा, तो भाई बात को समझिएगा, ये फर्स्ट फ्लश है, ये सेकेंड फ्लश है, ये रेनी फ्लश आ गया, रेनी फ्लश चलते रह गया, थोड़ा सा ऑटम बढ़ेगा, ये घट जाएगा। तो इस ढंग से जब ग्राफ बनाएंगे और इसको जब समझेंगे कि ये जो है क्या हो गया, ये फर्स्ट फ्लस हो गया, यहाँ पे फर्स्ट फ्लस हो गया। अब ये जो एरिया है ये फर्स्ट फ्लस चल रहा है, अब ये इधर तक जो है ये सेकेंड फ्लस आ गया, ये सेकेंड फ्लस हो गया, या इधर लिख दीजिए, तो ये फर्स्ट फ्लस का ये जोन हो गया, इसके बाद से सेकेंड फ्लस का ये जोन आ गया, बीच में थोड़ा सा डाउन भी होता है। अब ये जो रेनी सीजन का जोन आ गया, ये ऑटम का आ गया, और उसके बाद से ये क्लोजिंग वाली बात है। तो इस ढंग से प्राइस अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू फ्लस भी इसकी घटती बढ़ती रहती है। तो एक तो ये बात हो गई, तो प्राइस कभी भी आप एक साल बराबर नहीं पा सकते, इसकी प्राइस अकॉर्डिंग टू फ्लस या रीजनल इफेक्ट, मार्केट का पोजीशन, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, इन सब बातों पे भी वैरी करेगा। तो ये सारा मिला जुला के कहानी ये है कि आप जो है चाय की जब रेट पता करते हैं, तो भाई ये एक्सरसाइज सारा साल करना पड़ेगा, सारा समय करना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि उसकी चाय जो लिए उसका लॉट नंबर क्या है, इनवाइस नंबर क्या है, उसकी
मंथ क्या है, किस मंथ में बनी थी, ये डाटा तो होना ही चाहिए आपके पास। फिर उसका ओरिजिन क्या है, किस जगह की है, या ब्रांड नेम क्या है, उसका सेल मोड क्या था, जो सेलिंग मोड था ये क्या था, ये ऑक्शन से था, प्राइवेट में था कि कैसे था, ठीक है। इन सब चीज़ों को डिटेल अगर रखते हैं तो इसको कई तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसकी रेट क्या चल रही है मार्केट में। और किसी ब्रांड के बारे में ज़्यादा समझना है कि इसकी एक सेल ट्रेंड क्या है, रेट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, या इस ब्रांड की क्या रेट चल रही है मार्केट में, आप कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसमें आपको हम पूरा मदद करेंगे। तो ये सारी डेटा जब रखते हैं तो आप ऑक्शन के कैटलॉग से भी चेक कर सकते हैं, उसकी सेल प्राइसेस को भी देख सकते हैं कि ये कम है कि ज़्यादा है, या लास्ट सेल में क्या गई थी, इस सेल में क्या गई थी, इसका सारा साल का डाटा क्या रहा है। तो मैं बहुत सारे डाटा भी दिया हूँ, सिंगल स्टेट का और मल्टीपल स्टेट का भी, और कोशिश करूँगा कि डाटा मैं दूँ। किसी एक गार्डन पे अगर बात करूँ वो ठीक नहीं होता है, फिर भी अगर आपका कमेंट होगा तो मैं बताऊँगा कि किसी एक गार्डन का एक्चुअल उसकी सारा साल का डाटा क्या रहा है, क्या सेल रहा, क्या प्रोडक्शन रहा। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज़ थोड़ी सी वैल्यूएशन इसकी सेल प्राइस में फ़र्क आती है उस सेल मोड के हिसाब से। अब सेल मोड क्या है, अब देखिए, एक तो है डायरेक्ट, डायरेक्ट फैक्ट्री से जो मिलेगी चाय, एक डायरेक्ट फैक्ट्री से आप चाय ले रहे हो, एक टी ऑक्शन के थ्रू ले रहे हो, टी ऑक्शन वाला ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। दूसरा हो गया किसी ब्रोकर के थ्रू ले रहे हो, प्राइवेट ब्रोकर से ये इसके थ्रू ले रहे हो, अब कोई स्टॉकिस्ट से ले रहे हो, जो स्टॉकिस्ट है इसका अलग एक हिसाब किताब है। तो अब बात समझिएगा, डायरेक्ट फैक्ट्री वाले एक अपने हिसाब से एक रेट करेंगे दे देंगे, ये भी टी ऑप्शन को देखते हैं कि भाई प्राइस हमारा कहाँ पे घट रहा है बढ़ रहा है, तो टी ऑप्शन के हिसाब से ये रेट अपना कर देते हैं और दे देते हैं। बट टी ऑप्शन में ये बायर कितने हैं, कितना कंपटीशन है, मार्केट की चढ़ाई चढ़ाव है कि उतार है, तो उस पे डिपेंड करता है कौन कौन बड़े बड़े बायर एक्टिव हैं। टाटा अगर एक्टिव हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक्टिव हो गया, बाग बकरी एक्टिव हो गया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े प्लेयर वो एक्टिव हो गए तो प्राइस ऊंचा चला जाएगा, वो अगर सो गए तो प्राइस डाउन चला जाएगा। तो ये डिमांड सप्लाई पर टोटली इसकी गेम है। वैल्यूएशन वगैरह में कुछ खास नहीं रखी रहती है उस समय, वैल्यूएशन तो बस एक क्वालिटी का एक असेसमेंट है और कुछ नहीं है। और दूसरी होगी ब्रोकर्स, बहुत सारे प्राइवेट ब्रोकर्स होते हैं जो फैक्ट्रियों से चाय लेते हैं और उनकी चाय को बेचवाते हैं, बिलिंग यही करेंगे, लेकिन क्या होगा कि ये उनसे कमीशन लेंगे, तो यहाँ पे भी उनकी दबाव होती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि किस ढंग से आप क्या लेते हैं, और वहाँ पे कुछ डिस्काउंट वगैरह का भी बात होती है, पेमेंट अभी करो तो एक रेट होगा, पेमेंट 10 दिन बाद करो एक रेट होगा, पेमेंट काफ़ी लंबा झुला दोगे तो एक रेट होगा। तो इनका क्वांटिटी पे, पेमेंट टर्म कंडीशन पे, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं रेट को डिटरमाइन करने के लिए। तो इसके साथ इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं जो एक चाय की प्राइस पता करने में आपको मदद मिल सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है चाय की मार्केट ट्रेंड को समझिए, अभी कौन सी सीजन चल रही है, सेल क्या चल रही है, किस सेल में क्या रेट गई, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, मार्केट ट्रेंड को समझिए, फिर आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। और आपको बार बार करंट सैंपल मंगा के टेस्ट करनी होगी, करंट सैंपल मंगाएंगे, टेस्ट करेंगे तब समझेंगे। इसमें बहुत सारी बातें हैं, ये जो टॉपिक काफ़ी गहराई में है, में जाना पड़ता है, काफ़ी अंदर जाना पड़ता है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ फिक्स नहीं है, फिक्स एक ही चीज़ है, आप अपने पैरामीटर को मेंटेन करिए, और आपके लेवल के हिसाब से चाय अगर है और आपके मार्केट में सेल प्राइस के हिसाब से अगर चाय मिल रही है तो लेते रहिए, अगर लगता है ज़्यादा ऊंचा है तो थोड़ा इंतज़ार करिए, फिर भी नहीं मिल रहा तब थोड़ा सा बढ़ाइए। आपको अपना खुद एक सेट करना होगा, अपनी एक प्राइस बेंच, अपना एक मार्जिन का हिसाब किताब और परचेजिंग का हिसाब किताब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।